पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई अपना बेनिफिशियरी स्टेटस आज भी चेक नहीं कर पा रहे हैं और मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम उसको कैसे देखें, हमारे मोबाइल में तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे कैप्चा जो है वो रॉन्ग बता दिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से हम अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान भाई देखिए, मैं अभी आपको मोबाइल में ओपन करा हुआ हूँ, आपको देखिए मैं आपको घुमा के भी दिखा देता हूँ, ये मोबाइल ही है और मोबाइल पर ही मैं आपको जो है आज बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा, जिस स्टेप को मैं फॉलो करूंगा आप उसको फॉलो कीजिएगा, तो आप यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी स्टेटस बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको घुमाकर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए आप सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलते होंगे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है और दूसरा मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलो मैं आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं आपको अभी एक मोबाइल नंबर है उसको डालकर दिखाता हूँ, उसके बाद आगे का इंटरफेस भी आपको दिखाऊंगा। तो किशन भाई मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो डाल दिया है और डालने के बाद में अभी मैं देखिए आपको घुमा के दिखा देता हूँ, और घुमाने के बाद में आपको देखिए अभी यहाँ पे कैप्चा का प्रॉब्लम बहुत से किसान भाइयों को यहाँ पे आ रहा था, कैप्चा का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको कैप्चा कैसे करना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए किसान भाइयों, आपको ये कैप्चा मिलेगा, इस पर आपको प्रेस करना है, कैप्चा पे प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ओपन इमेज मिलेगा, प्रीव्यू इमेज मिलेगा, तो प्रीव्यू इमेज पे आपको क्लिक कर देना है और इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे अभी आपके सामने यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं करूँगा तो कहीं पे लिख लेता हूँ। तो देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो लिख लिया। ठीक है, आपको भी लिख लेना है। लिखने के बाद में ऊपर की साइड में आपको एक कट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इसको कट कर देना है। कट करने के बाद में अब यहाँ पे आ जाना है, अब आपको वही यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए मैं अभी डाल देता हूँ KR। ठीक है, ये वाला कैप्चा जो है वो इसमें रॉन्ग बताता है, तो ठीक है आपको इसी प्रकार से करना है। तो देखिए मैंने KR और AS डाल दिया है और उसके बाद में आपको J डाल देना है और D। ठीक है, आप उस कैप्चे से मैच करके देखना, यही कैप्चा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे डाल दिया है और भी मोबाइल को भी मैंने जो है वो रॉन्ग कर लिया है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो गेट डाटा का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पूरी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी, आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिला होगा वो सारी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी किस बैंक में आया है, आपका आधार कार्ड जो पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड है, उसके बाद में आप अपना वो PFM स्टेटस है उसको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, और आप आधार जो है वो वैलिड हुआ है नहीं हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, उसके बाद में अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर की जो ID की बात कर रहा था वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, और उसके बाद में डेट यहाँ पे सब कुछ आप देख पाएंगे, आपको कितना इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला हुआ है और कितना पैसा नहीं मिला है। यहाँ पे इन किसान भाई की बात करें तो इनको जो है वो 11वीं इंस्टॉलमेंट तक का पैसा मिल गया है और 11 इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जाइएगा और अपना स्टेटस चेक करिएगा, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही OTP की प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको कैप्चा की प्रॉब्लम आएगी। तो कितनी अच्छी बात है, आप मोबाइल फ़ोन से भी जो है अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। तो आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए और आप परेशान हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मैं आपके यहां पे हेल्प कर सकूं। तो किशन भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।